नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज फिर मैं आपके सामने, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास उपाय के बारे में। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। पीपल के सामने बोल दें ये दो शब्दों का मंत्र, भयंकर मृत्यु शनि दोष भी होगा, 30 सेकंडों में खत्म। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिसके पीछे ये मान्यता है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण ना किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता है, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हैं, धन हानि हो रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष से पीड़ित होने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं होती है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। पंचांग के अनुसार 21 सितंबर 2021 मंगलवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष का विधिवत आरंभ होगा, जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ दोष तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद सदा ही आपको पूरे जीवन मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या करना है आपको। दोस्तों, पंच भौतिक देह के त्याग के बाद, रूह में देह नष्ट हो जाने के बाद भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा और सुधा शेष रह जाती है। संपीड़न के बाद वो जब अस्थाई प्रेत शरीर से नए तन में अवतरित होते हैं तो वे पितर कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति पितर बनकर पितृलोक में वास करते हैं और श्राद्ध कर्म के 15 दिनों के अवधि में अपने वंशजों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध कर्म व तर्पण से तृप्त होते हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसे काम उपाय करने चाहिए जिनसे हमारे पितरों को तृप्ति मिले। इससे आपको पितर आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के बड़े बड़े कार्य भी सहज रूप से हो जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगती है। कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याएं, पितर दोष शनि दोष दुख नाश आदि हो जाते हैं। इन उपायों को आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। जी हाँ, इन्हीं ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही व्यक्ति को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, अच्छे और बुरे दिन देखने पड़ते हैं। बता दें, इन 9 ग्रहों में से 3 ग्रह ऐसे हैं जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है। वह ग्रह है राहु, केतु और शनि। पीपल के सामने बोल दें ये दो शब्दों का मंत्र, भयंकर मृत्यु शनि दोष भी होगा, 30 सेकंडों में खत्म। बहरहाल, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार शनिदेव का चरित्र भी न्याय अधिकारी के रूप में माना जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो शनिदेव कर्म और सत्य दोनों चीजों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। गौरतलब है, यदि आप शनिदेव को किसी दूसरे तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए भी शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। वैसे भी शनिदेव को प्रसन्न करने से आपका जीवन यूं ही सफल हो जाता है। बता दें, यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और दोनों हाथों से पीपल के पेड़ को स्पर्श करें। इस दौरान पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करें और शनि मंत्र का जाप भी करें या हनुमान चालीसा आप भी पढ़ सकते हैं। और शनि मंत्र का जाप अगर आप करना चाहें तो शनि मंत्र में आपको बता देता हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय और दीपक जलाते समय तथा परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आपकी साढ़े साथी के साथ ही आपकी सभी आपकी मनोकामना पूरी होंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा साढ़े साथी के प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखने वाले लोगों को दिन में एक बार और महीने में कम से कम एक बार बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो शनिवार के दिन
सबसे पहले आप एक धागा लेना है दोस्तों, आपको लाल रंग का धागा लेना है। तो लाल रंग का धागा ले लेने के बाद उसे अपनी लंबाई के नाप का नाप लें, यानी अपने सिर से लेके पैर तक का आप इसे नाप लें। और उसके बाद उस धागे को क्या करना है, आपको एक आम का पत्ता लेना है। आम का पत्ता आपको ये ध्यान रखना है कि वह कटा फटा या बेकार नहीं होना चाहिए, यदि वह खराब होगा तो वह आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक आम का पत्ता लें, अब इस आम के पत्ते को पानी से, साफ पानी से धो करके साफ कर लें। उसके बाद जो भी उसमें गंदगी वगैरह आती है उसको अच्छी तरह धो करके इसको पवित्र कर लें। उसके बाद ये लाल धागा उसके ऊपर लपेट दें। इसके बाद इस पत्ते को लपेटे हुए धागे को लेकर अपनी मनोकामना के बारे में मन ही मन सोचते रहें और फिर इस पत्ते तथा धागे को जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों जल का ध्यान रखना है कि आपको बहता हुआ जल ही लेना है, यानी कि बहते हुए जल में ही आपको प्रवाहित करना है। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। आपकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी हो इसके लिए मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनि देव या फिर जय बजरंग बली अवश्य लिखें। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए इसलिए एक और उपाय आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये उपाय बहुत ही आसान है। दोस्तों वैसे तो शनि को न्याय का देवता माना जाता है। न्याय का नाता धर्म का पालन करने से है। अच्छे बुरे कर्म न्याय का आधार करते हैं। मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके पाप कर्मों के आधार पर ही शनिदेव की कृपा या फिर उनकी कुदृष्टि प्राप्त होती है। अगर आपको बताऊं, अगर आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप सुबह के साथ साथ शाम के समय भी अपनी पूजा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह बहुत ही आसान और आजमाया हुआ टोटका है और कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी परेशानियां तो खत्म हो ही जाती हैं, साथ ही साथ शनि देव की कृपा भी मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने से या फिर मंगलवार या शनिवार के दिन करने से शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके बाद आपको दूसरा उपाय बता देते हैं जो आप कर सकते हैं। यह उपाय भी आप मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से चमेली का तेल लेकर के आना है और एक दीपक लेकर आना है। इसके बाद आप दीपक में चमेली का तेल डाल दें और चमेली का तेल दीपक में डाल देने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी का दर्शन भी करें। जब हनुमान जी के सामने आप हाथ जोड़ करके उनसे खड़े होंगे तो आप उनसे अपनी मनोकामना भी जरूर मांगे। इससे दोस्तों उनकी कृपा यानी कि हनुमान जी की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। इससे वह उपाय भी पूरी हो वह मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं जिनको कहते हैं कि ये असाध्य है, यानी कि वह मनोकामनाएं जो कभी आपकी पूरी नहीं हो सकती हैं। आप परेशानी और कोशिशें कर करके थक चुके हैं कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करें, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय को अपनाते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आपको चमेली का तेल ही प्रयोग करना है, तो आप इस उपाय की व्यवस्था आज ही करें। दोस्तों अगर आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपने देखा होगा लोग तेल का दान करते हैं, उड़द की दाल का दान करते हैं या शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। तो उसका कारण यह है कि अगर आप शनि की वस्तुओं का दान करते हैं तो वे आपको सुफल देता है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। पीपल के सामने बोल दें ये दो शब्दों का मंत्र, भयंकर मृत्यु शनि दोष भी होगा, 30 सेकंडों में खत्म। और अगर तेल आप चढ़ाते हैं या फिर तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे आपको एक और चीज करनी चाहिए। जब भी आप तेल का दीपक जलाएं तो उसमें आपको काली वस्तुएं जैसे कि काले तिल, उसमें काली उड़द आदि डाल दें। थोड़े से काले तिल दीपक में डालकर जलाए तो यह भी पाया जाता है कि शनि देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कितनी सारी चीज है जो आप कर सकते हैं। किसी को काली चीज दान कर सकते हैं जैसे काला कंबल, काली उड़द, काली चप्पल आदि वस्तुएं भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति या जरूरतमंद को दान करते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ ही दान करने के साथ आप रुद्राक्ष के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने सुना है तो आप जानते होंगे कि रुद्राक्ष का उपाय भी आपको बहुत ही जल्दी फल प्रदान करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आपको 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी इन चारों में से कोई भी रुद्राक्ष मिल जाए या 4, 5, 6 या 7 मुखी में से कोई भी अगर आपको मिल जाता है तो आप इसे शुद्ध करने के बाद आपको इसे इस्तेमाल करना है।
इसे शुद्ध कैसे करना है दोस्तों, यह भी अब जान लेते हैं। इसको शुद्ध करने के लिए आपको इसे गंगा जल से धो लेना है। इसे गंगा जल से धो लेने के बाद आप सुबह या शाम के समय जब भी पूजा घर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो शिव जी यानी कि भोलेनाथ के सामने आपको इसे रख देना है। इसका पूजन करें, धूप बत्ती अगरबत्ती से इसका पूजन जरूर करें। इसके बाद आपको उसमें एक लाल धागे को पिरो करके इसे आपको धारण कर लेना है। इसे अपने गले में पहनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लाल धागा आप इसमें डाल रहे हैं यानी कि जो पिरो रहे हैं, वह लाल धागा सूत का होना चाहिए यानी कि थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर आपका सूत का धागा नहीं है तो आप कोई पतले धागे को थोड़ा सा 2-3 बार बना करके उसे मोटा कर लें, जिससे कि वह एक मोटा धागा बन जाए, सूत जैसा बन जाए, और फिर इसे अपने गले में धारण करें। इस तरीके से आप उसे धारण कर सकते हैं। और साथ ही आपको इसे मंगलवार या शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर आप शनि देव की असीम कृपा पाना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो जिससे कि आपको कोई बुरा ना कर सके, तो इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जब भी आपको टाइम मिले तो आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिदेव का अभिषेक करते हैं, अभिषेक मतलब शनिदेव को जल चढ़ाते हैं, तो इससे भी आपको उनकी बहुत कृपा प्राप्त होती है। जब भी हम किसी देवता को पानी चढ़ाते हैं तो उसे अभिषेक बोला जाता है। अगर आप शनिदेव का अभिषेक करते हैं तो आप सिर्फ तेल से करते हैं, लेकिन अगर आप तेल के साथ ही, सरसों के तेल के साथ ही उसमें कुछ चीजें डाल दें, तो बहुत ही चमत्कारी फायदा बन जाता है। अगली बार जब भी आप शनिवार के दिन शनिदेव का अभिषेक तेल से करें, तो उसमें थोड़े से काले तिल डालना ना भूलें। इससे आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि काले घोड़े की नाल का छल्ला आपको अगर कहीं से मिल जाए, तो आप काले घोड़े की नाल का छल्ला शुद्धिकरण करने के बाद उसको गंगा जल से धो लें, और उसे शनिवार से एक दिन पहले ही अपने पास लेकर के आएं और वहां उसे धो करके अपने मंदिर में स्थापित कर दें। और शनिवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले पहले आप इसे अपनी उंगली में धारण कर लें। आपको यह अपनी मध्यमा उंगली में यानी कि बीच वाली उंगली में, मिडिल फिंगर में धारण करना है। तो आपको अगर शनिदेव के लिए विशेष उपाय वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला शनिवार के दिन मिल जाए, तो आप उसको धारण करना ना भूले। अगर आप गरीब हैं और आप चाहते हैं कि आप अमीर बन जाएं, तो इसलिए दोस्तों आप गरीबों को काला कंबल जरूर दान करें। इससे आपको शनिदेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी और शनिदेव आपका उद्धार करेंगे। और जो भी आपकी 7.5 या ढैया है, शनि के दुष्प्रभाव या उनकी कुदृष्टि आपसे आपके ऊपर पड़ रही है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप शनिवार को व्रत रख सकते हैं। शनिदेव का दर्शन करने के बाद आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे भी आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट में लिखते रहें। जय बजरंगबली।